देखा फ्रेंड्स कितना अच्छा दिवाली के लिए स्नैक्स बन गया है, मसाला काजू नमक पारे। ये इवनिंग टाइम चाय के साथ खा सकता है, सुबह बच्चा लोग को बॉक्स में भी, स्कूल बॉक्स में भी डाल सकता है। ये हेल्दी है, गेहूं का आटा से बनाया है, मैंने मैदा नहीं डाला है, इसलिए आप लोग दिवाली में बनाइए। बना के खाने के बाद कैसा टेस्ट आया, कैसा लगा, मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट दीजिए। मेरे चैनल के नीचे थम्स अप बटन दबाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, सावित्रीज किचन में स्वागत है आप लोगों का। अभी दिवाली आ रही है ना, दिवाली के लिए आप लोगों को स्पेशल हेल्दी वैरायटी वाला मसाला काजू नमक पारे दिखा रही है। बहुत ही अच्छा है, मैंने मैदा से नहीं कर रही है, गेहूं का आटा से कर रही है। ये बच्चे लोग का स्कूल बॉक्स में चाय के साथ शाम को स्नैक्स जैसे, शाम को इवनिंग टाइम को आएगा तो भी चाय के साथ खिला सकते हैं। दिवाली है ना, आप लोग मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन दबाइए, उसके साइड में एक घंटी है उसको दबाइए, ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक कर दीजिए। मेरे चैनल पे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलेगा। नमक का पारे के लिए चाहिए 2 कप गेहूं का आटा है, मैदा नहीं है, गेहूं का आटा लिया है। 2 कप गेहूं का आटा डाल दिया, इसको थोड़ा सा गेहूं का आटा छान के ले लेंगे। 1/4 कप सूजी रवा लिया है, मैंने मिक्सी में एक बार दो बार घुमा दिया, बारीक वाला तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा मिक्सी में एक बार दो बार घुमाइए, मोटा रहेगा तो अच्छा नहीं लगता है ना। 1 टीस्पून अजवाइन लिया है और स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए, आप लोग कितना नमक खाते हैं उतना, मैं तो 1 टीस्पून डाल दिया है। अब इसके अंदर 4 टेबलस्पून ऑयल डाल रही है, क्यों घी भी डाल सकते हैं आप लोग, ऑयल भी डाल सकते हैं। इसके अंदर ऑयल डालेगा तो ज्यादा ऑयल नहीं खींचेगा, आप लोगों को टेंशन नहीं है। हम मैदा से बनाएगी तो बहुत क्रिस्पी बनेगा, मगर हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है ना, इसलिए गेहूं का आटा से मैं दिखा रही हूँ, बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा ऑयल डालेगा तो भी चलेगा, मगर घर का ऑयल है ना, बाहर का डालडा वगैरह नहीं है ना। 2 टेबलस्पून और डाल दिया है, क्यों थोड़ा सा ऑयल रहेगा, क्रिस्पी बनेगा। देखना फ्रेंड्स, ऑयल पूरा आटा में लगा दिया अच्छे से, एकदम ऐसा करके लगाने का है, ऐसा मुट्ठी बनेगा तो ऐसा बनने का, तभी क्रिस्पी बनेगा एकदम अच्छे से। अभी थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, ज्यादा नहीं डालने का है, टाइट आटा चाहिए, एकदम कड़क रहने का है। दिखाती हूँ आप लोगों को ऐसा है, मैं थोड़ा 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 डाल दीजिए, एकदम डालेगा पतला हो जाएगा तो फिर मुश्किल है। हम लोग पूरी का कैसा गूंधता है आटा, ऐसे गूंधने का, एकदम कड़क नहीं है, एकदम पतला नहीं है। पूड़ी का आटा थोड़ा कड़क गूंधता है ना, ऐसा ही गूंधना। रोटी का आटा गूंधता है ना, उससे थोड़ा सा कड़क गूंध दीजिए, पानी में पता नहीं चलता है वो, देखना ऐसा। चपाती का आटा गूंधता है ना रोटी के लिए, उससे थोड़ा सा कड़क ले लीजिए आप लोग, बस 10 मिनट के लिए इसको साइड में रखूंगी। अभी मसाला तैयार करेंगे, आप लोग टिक्का कितना खाते है वो हिसाब से ले लीजिए। मैंने 1 टीस्पून मिर्ची पाउडर लिया है, 1 टीस्पून चाट मसाला लिया है पाउडर, और नमक तो डाल दिया हम लोग ने उसके अंदर। आप लोग स्वाद अनुसार आप लोग को तीखा कितना चाहिए वो हिसाब से आप लोग डाल सकते हैं, मसाला भी आप लोग का कितना चाहिए उतना भी डाल सकते हैं। इसको मिक्स कर देंगे, आप लोग को और मसाला कुछ चाहिए तो आप लोग एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, मैं तो इतना ही डाल रही है, सिंपल अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है इससे। 10 मिनट हो गया है, हम लोग अभी इसका थोड़ा सा देखना फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहा है ना, ऐसा मैंने इसको छोटा छोटा लिया है, बहुत बड़ा बड़ा नहीं लिया है, गोल करेंगे इसको। चपाती का कैसा बनाते हैं हम लोग ऐसे बनाएंगे, बाकी ढक्के रखेंगे, सूखने का नहीं है ना आटा, ढक्कन रख दिया। इसको का तेल लगाने की जरूरत नहीं, पहले से डाल के रखा है ना हम लोग, अब इसको साइड में रखेंगे अभी, और एक बेलन करने का चपाती जैसा। अब ये बना के साइड में रखा ना, इसको ऊपर डाल देंगे, अभी दोनों थोड़ा सा
फिर और एक बार ऐसा करेंगे। अभी दोनों रोटी डाल के एक के ऊपर एक उसको बेल दिया ना, ये दोनों चिपक जाएगा। अभी दोनों जॉइंट करके चपाती जैसा बनाया ना, अभी इसको काजू जैसा काटेंगे। मैंने ये ढक्कन लिया है मेडिसिन का, इससे कर रहे हैं। आप लोग छोटा ढक्कन कुछ भी मिलेगा उससे कर सकते हैं आप। अभी इसको हम लोग ऐसे करके काजू का शेप में करने का है, ठीक है। देखा फ्रेंड्स कितने अच्छा आ रही है। एक काजू थोड़े सा बड़ा साइज में लिया है मैंने, एकदम छोटा छोटा है तो टाइम लगता है ना, किसी के पास टाइम नहीं तो छोटा छोटा भी बना सकते। मैं तो थोड़ा बड़ा बना रही, लेकिन ऐसा एक ढक्कन लेके थोड़ा सा ऐसा रख के बस ऐसा खींचने का। देखने कितना अच्छा आ रही है ना, देखने दिख रही ना आप लोगों को, बराबर ऐसा पकड़ के खींचने का बस, और कुछ नहीं है। सब एक साथ ऐसा बना के रखेंगे हम लोग। देखा ना आप लोग ऐसा खींच के दिखाए ना, एक बार ऐसे खींच के ऐसा आगे करने का बस, कितना अच्छा आता है ना। ऐसे करके आगे ऐसा खींचेगा तो पकड़ के एकदम अच्छे काजू जैसा आ जाएगा। सारा ऐसे ही बनाइए। देखो फ्रेंड्स अभी ऑयल गर्म हो गया है, भी सब ऐसा बनाया मैंने। अभी एक एक डाल देंगे सब फटाफट, एकदम मीडियम में रख दीजिए, हाई में नहीं रखना है, अंदर कच्चा ऊपर जल जाएगा। थोड़ा मीडियम में रख के आराम से कर दीजिए, तो दिवाली में बनाने के लिए फटाफट भी हो जाएगा, अपना टेस्ट भी अच्छा रहेगा। आटा से बना रहे ना हम लोग, देखना फ्रेंड्स थोड़ा सा होने के बाद कलर आता है, थोड़ा सा ऐसा हिलाते रहने का, एकदम अच्छे से हो जाएगा। आप लोग हाई में रखेगा जल जाएगा, अंदर कच्चा रहेगा, आराम क्रिस्पी नहीं बनेगा। ऐसा सिम में रख के, सिम में एकदम हाई भी नहीं, ऐसा थोड़ा सा मीडियम में रख के हिलाते रहे। देखा फ्रेंड्स कितना अच्छा कलर आया, अभी निकाल रही है मैं। वाओ क्या साउंड आ रहे थे, काफी एकदम क्रिस्पी बनेगा। ऑयल भी ज्यादा नहीं खींचा, क्यों ऑयल से हम लोग आटा गूंद के रखा है थोड़ा सा, इसलिए ऑयल ज्यादा खींचेगा नहीं। देखने कितना और ऑयल है। अभी इसके अंदर मसाला करेंगे, अभी दूसरा बैच डाल रही है मैं, फिर बना के रखा ना मैंने ऐसा। अभी देखे एक बैच निकाला है ना फ्रेंड्स, हम लोग इसका थोड़ा सा मसाला डाल देंगे। हम लोग मसाला बना के रखा है ना इसके अंदर, थोड़ा सा अच्छा सा हल्का सा, थोड़ा सा गरम में मिक्स हो जाएगा ये मसाला, क्यों ऑयल रहता है ना गरम गरम में, गरम गरम में मसाले डाल दीजिए। कितना बनाए उतना निकाल के पहले प्लेट में डाल के थोड़ा मसाला बना के फिर दूसरा प्लेट में चेंज कर दीजिए। लेकिन कितना कड़क है, एकदम क्रिस्पी बन गए हैं। गरम में मसाले डाल दीजिए, गरम में डालेगा ना ऑयल भी रहता है, थोड़ा सा जल्दी मसाला उसके अंदर चिपक जाएगा, बहुत उसको पकड़ेगा ना, बहुत अच्छा टेस्ट भी आ जाएगा। अभी सारा काजू ऐसे बना के मसाला डालवा के मसाला डाल के दिखा दूंगी आप लोगों को। देखने कितना अच्छा जल्दी जल्दी बन गए, 20 मिनट में बन गया। सब रेडी रखिएगा तो 15 मिनट में काजू मसाला बन जाएगा अपना दिवाली के लिए। ज्यादा मेहनत भी नहीं है, ऑफिस से आके भी फटाफट बना सकते हैं। देखना कितना एकदम अच्छा बन गया, देखना गरम है थोड़ा सा ठंडा होएगा, एकदम क्रिस्पी बनेगा, एकदम क्रिस्पी है। देखा फ्रेंड्स कितना अच्छा दिवाली के लिए स्नैक्स बन गया है ये, इवनिंग टाइम चाय के साथ खा सकता है, सुबह बच्चा लोग को बॉक्स में भी, स्कूल बॉक्स में भी डाल सकता है, ये हेल्दी है। गेहूं का आटा से बनाया ना मैंने, मैदा नहीं डाला है, इसीलिए आप लोग दिवाली में बनाइए। बना के खाने के बाद कैसा टेस्ट आया, कैसा लगा मेरे कॉमेंट सेक्शन में जरूर कॉमेंट दीजिए। मेरे चैनल के नीचे थम्स अप बटन दबाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये अच्छा लगेगा आप लोग को, फ्रेंड्स को, आप लोग को, परिवार को। मेरा चैनल फॉरवर्ड कर दीजिए, मेरा चैनल को एकदम सपोर्ट कर दीजिए। बाय फ्रेंड्स, सी यू, टेक केयर, हैप्पी दिवाली। बच्चे लोग को ध्यान रखना, बच्चों के साथ रहना, पटाखा वगैरह ध्यान से चला देना, बहुत खुशी रहना। हैप्पी दिवाली अगेन।